मिठू को गुस्सा आया हुआ है। मिठू कह रहा है कि पानी कहाँ से आ रहा है, और ये देखें पानी कहाँ से आ रहा है। अचानक ही बरसात शुरू हो चुकी है, बहुत तेज़ वाली बरसात शुरू हुई है और मिठू के ऊपर पानी आ रहा है। मिठू चीखें मार रहा है। क्या हुआ मिठू, मिठू कहाँ हुआ, बारिश का पानी आ रहा है मिठू के ऊपर। बहुत तेज़ बारिश आई है और बहुत ही मज़े का मौसम हो चुका है। ये देखें ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और मन्नाल इधर बैठी हुई है। मन्नाल आप क्या कर रही है, मन्नाल देख रही है टैप और उसकी ये देखिए कैंडी डॉल्स, भालू देखिए सारे बिखरे पड़े हैं। और बारिश बहुत ही मज़े की हो रही है। देखिए ऊपर वाले ऊपर की छत से पानी आ रहा है काफ़ी तेज़, बादल गरज रहे हैं। और ज़्यादा तेज़ हो रही है। मिट्टू मिट्टू गीला हो रहा है, मिट्टू को गुस्सा आ रहा है। तो फ्रेंड्स तकरीबन जो है आधा घंटा हो चुका है, बारिश का रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये देखिए मन्नाल भी बीच में नहा रही है, पानी में खूब इंजॉय कर रही है। और देखें ऊपर से फ्लो, आप छत से पानी बहुत ज़्यादा फ्लो में आ रहा है। ये देखें मिट्ठू को लगातार गुस्सा आ रहा है कि उसके ऊपर पानी आ रहा है, बारिश का वो चीखे मार रहा है कि मेरे ऊपर पानी क्यों आ रहा है। मन्नाल जो है फुल एंजॉय कर रही है बारिश का। मैं जब हम छोटे होते थे तो हम भी बहुत एंजॉय किया करते थे, मैं भी बहुत बारिश में नहाती थी, 3 घंटे 4 घंटे। यानी पंजाब में तो इतनी बारिश नहीं होती थी, लेकिन जब आती थी तो हम सब बहुत एंजॉय करते थे। यहाँ एबटाबाद में तो आए दिन ही बारिश होती है, कोई नई बात नहीं है बारिश आना यहाँ। तो यहाँ के लोग बारिश के लिए इतने तरसे हुए नहीं होते जितने सिंध और पंजाब के लोग बारिश के लिए तरसे हुए होते हैं। तो जो मेरी बात को सहमत है मेरी बात से तो वो मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। तो बारिश में पकोड़े वगैरह खाने का काफ़ी मन होता है, अभी मैं पकोड़े वगैरह भी बनाऊँगी। और जी पकोड़े बनाऊंगी, अभी मैं बेसन घोल के आ चुकी हूँ नीचे और बस थोड़ी देर तक मैं उनको फ्राई करूंगी तो हम खाएंगे आज पकोड़े। हाँ वो भी बनाएंगे, आलू दम जो है बिहारी डिश है, बिहारी डिश है जो खट्टे पानी के साथ बनाई जाती है, और वो भी आज हम बनाएंगे इमली के पानी के साथ और उसको भी एंजॉय करेंगे। तो मनु ये है कि आपसे बात करते करते बारिश काफ़ी स्लो हो चुकी है, तकरीबन रुक ही गई है, लेकिन बादल अभी भी गरज रहे हैं। तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, पहले हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सावन है, सावन में इसी तरह का मौसम होता है। वैसे पूरे पाकिस्तान में तो नहीं होती,
एबटाबाद में हुई है। जी तो ये देखें दरख्त, आप देख रहे हैं हल्के हल्के हिलना शुरू हो चुके हैं और हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा भी आ गई है। और तो मनाल तो खूब इंजॉय करती है बारिश को, और हर हर बारिश में तकरीबन ये नहाती है जो दिन में होती है, रात में अक्सर सोते हुए होती है तो वो नहीं इंजॉय कर पाती, लेकिन दिन वाली बारिश ही अक्सर। आतिशबाजी कहाँ? किसी की शादी होगी, हार्ट भी बनना था, आपने देखा था। बादलों की आवाज़ आपको आ रही होगी गरजने की, और देखिए आसमान कितना साफ़ सुथरा हो गया और हर चीज़ धुली धुली सी हो गई है, नीट मिट्टी। वैसे भी एबटाबाद में थोड़ी कमी होती है, लेकिन बारिश के बाद और भी जो थोड़ी बहुत होती है वो भी साफ़ हो जाती है, जैसे इन ग्रिलों वगैरह पे, दीवारों के ऊपर, पौधों और दरख्तों के ऊपर आई भी होती है तो वो साफ़ हो जाती है। तो फाइनली मैंने आलू दम बना लिए हैं, आलू बॉयल किए हुए हैं, और ये खट्टा पानी है इमली का, तो अभी हम इसको एंजॉय करेंगे। और ये देखिए मनाल कर रही है, मनाल चेक करो कैसा है, कैसा है, मज़े का है। तो ये देखें फाइनली ये लुक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं, सारे ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र और करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी मेरी वीडियो आती है, जिस भी टाइम भी आती है, क्योंकि मेरा एक परफेक्ट टाइम नहीं है, मैं कभी भी वीडियो डाल देती होती हूँ, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और बहुत से काम होते हैं, और फिर जब मुझे नेट अवेलेबल होता है तो तभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो इजीली देख सकेंगे। तो बारिश ख़त्म हो चुकी है, ग्रिलें देखें बारिश से भरी हुई हैं बूंदों से, और बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है, इतना अच्छा हो चुका है कि बस कहीं जाने का जी लांबा। देखें इन लोगों ने अपना कारपेट ग्रास किया है, बहुत ही खूबसूरत ये घर है, और इनका लॉन भी बहुत ही प्यारा है, और बारिश के बाद मौसम कितना प्यारा हो गया, बादल देखें काले काले हैं और अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, यहाँ आपको फील हो पता चलेगा कि बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही है अभी भी। और मनाल ने अपना गीला ड्रेस उतार दिया है और चेंज कर लिया है, और अभी मानो आपने गीले नहीं होना दोबारा, अच्छा सावन की बारिश है, सावन की बारिश जो है वो बीमारियां ले आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो इसलिए ये नहाना है। और मिट्टू मिट्टू लोग भी ड्राई हो चुके हैं, मिट्टू को काफ़ी गुस्सा आया था जब बारिश हो रही थी, मिट्टू कह रहा था, चीखें मार रहा था कि क्यों बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स कल वाला जो व्लॉग था उसका मैंने एंड नहीं किया था, तो मैं उस व्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो ज़िंदगी रही तो मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।